Hello students, in this video we are going to discuss conservation of linear momentum. It is very important topic students, so without wasting any time let's start. Student dekhiye kya hota hai conservation of linear momentum. Student dekhiye ki ye naya topic hai aap logo ke liye. Isse pehle aap log momentum padh chuke hain ki momentum kya hota hai. Aap isse pehle momentum ko acche se padh chuke hain ki momentum kya hota hai. तो स्टूडेंट एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि मोमेंटम क्या होता है. स्टूडेंट देखिए मोमेंटम होता है स्टूडेंट जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को जब आप उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, तो आप याद रखिए वहां पर हमें क्या मिलता है, हमें उसका मोमेंटम मिलता है. स्टूडेंट क्या मिलता है, हमें उसका मोमेंटम मिलता है. समझ रहे हैं स्टूडेंट. तो देखिए स्टूडेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है. स्टूडेंट देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है स्टूडेंट कि मोमेंटम का कंजर्व रहना, कि मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहे, वो कंजर्व रहे. तो स्टूडेंट उसे हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्योंकि मोमेंटम भी हम बोल सकते हैं, लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं, एक ही बात है स्टूडेंट. तो स्टूडेंट देखिए समझते हैं होता क्या है. देखिए स्टूडेंट समझिए इसको, मैं आपको नॉर्मल एक्सप्लेन करूंगा. सबसे पहले देखिए स्टूडेंट होता क्या है. देखिए एक बार when two or more bodies act upon one another, their momentum remain constant or conserved, provided no external force are acting. तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, बहुत ही आसान है. समझिए इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब समझिए स्टूडेंट. स्टूडेंट मैं मान लेता हूं मेरे पास एग्जाम्पल के लिए दो बॉडीज हैं. एक बॉडी जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है. अब स्टूडेंट ये मान लेते हैं कि ये दोनों बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं. दोबारा देखिए स्टूडेंट, एक बॉडी जिसका मास m1 है और दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है, और ये दोनों के दोनों बॉडी स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. कुछ इस तरीके से ये मूव कर रही है, ये बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, दोनों एक आगे पीछे एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं. और मैं मान लेता हूं स्टूडेंट पीछे वाली की वेलोसिटी, मतलब m1 बॉडी की वेलोसिटी u1 है. कितनी है स्टूडेंट, पीछे वाली की इस m1 बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, u1 है. और इस m2 मास की बॉडी की वेलोसिटी स्टूडेंट u2 है. और मैं मान लेता हूं कि u1 वेलोसिटी मतलब इस वाली बॉडी की वेलोसिटी इस वाली बॉडी के कंपेरिजन में कुछ ज्यादा है. तो स्टूडेंट होगा क्या होगा, ये कि जब ये दोनों आगे पीछे स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी तो ये बॉडी यानी सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी से जाके टकरा जाएगा, सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी से जाके टकरा जाएगी. और स्टूडेंट जब टकरा जाएगी तो आप मुझे बताइए, आप इसको समझिए अच्छे से समझिए कि जब पहली बॉडी दूसरी बॉडी से जाके टकरा जाएगी तो स्टूडेंट किसमें चेंज आएगा, मुझे बताइए क्या उस बॉडी के मास में चेंज आएगा. स्टूडेंट हम यहां पर ऐसा मान के चलते हैं कि उनके मास में चेंज नहीं आ रहा है, उनका मास एज इट इज है, तो फिर किसमें चेंज आएगा स्टूडेंट. डेफिनेट सी बात है स्टूडेंट, उनकी वेलोसिटीज में चेंज आ जाएगा, उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी. आप खुद भी एक नॉर्मल एग्जाम्पल से एज्यूम कर सकते हैं कि जब आप किसी स्ट्रेट रोड पर चल रहे हैं या आप एक नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहे हैं और अचानक से आके आपको कोई पीछे से टकरा जाता है, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई भी दूसरा इंसान, कोई इंसान, कोई पर्सन आपसे आके टकराता है, तो स्टूडेंट क्या होता है, क्या आप अपनी नॉर्मल स्पीड से चल पाते हैं टकराने के बाद भी. स्टूडेंट बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है. जब आप नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं और अचानक से आपके पीछे से कोई आदमी आकर आपको एक सडन जर्क देता है, अचानक से टकराता है, तो स्टूडेंट आपकी वेलोसिटीज में चेंज आ जाता है. मतलब अब आप उस स्पीड पर नहीं चल पाते हैं जिससे आप पहले चल रहे थे, तो स्टूडेंट आपकी वेलोसिटी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है. तो स्टूडेंट सेम केस मैंने अज्यूम किया है कि ये बॉडी इस बॉडी के पीछे आके से टकरा गई, यानी कि इन दोनों के आपस में टक्कर हो गई, कोलिजन हो गया. और स्टूडेंट जब कोलिजन हुआ तो इन दोनों दोनों बॉडीज की वेलोसिटी में चेंज आ गया. स्टूडेंट क्या आ गया, इन दोनों बॉडी की वेलोसिटीज में चेंज आ गया. और दोनों बॉडी की वेलोसिटीज में जब चेंज आ गया स्टूडेंट, तो मान लेते हैं कि पहली बॉडी की वेलोसिटी जो कि m1 मास की थी उसकी वेलोसिटी v1 हो गई है,
और जो बॉडी m2 मास की थी उसकी वेलोसिटी v2 हो गई है। तो स्टूडेंट इससे क्या निकल कर आ रहा है, आप एक बार स्टेटमेंट को समझिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। तो स्टूडेंट इससे क्या निकल रहा है, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, एक बार समझिए कि जब दो बॉडी आपस में स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, एक दूसरे से टकरा जाती हैं, तो स्टूडेंट टकराने से पहले जब वो आपस में नहीं टकराई थी तो दोनों बॉडी के मोमेंटम को आप निकाल लीजिए। पहली बॉडी जो कि m1 मास की थी, u1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो उसका मोमेंटम कितना होगा स्टूडेंट, m1 इंटू u1। और उसी के आगे दूसरी बॉडी मूव कर रही है जो कि कितने मास की है स्टूडेंट, m2 मास की है, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा स्टूडेंट, m2 u2। अब दोनों का टोटल मोमेंटम मुझे निकालना है, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, m1 u1 पहली बॉडी का प्लस m2 u2, तो ये टक्कर से पहले का मोमेंटम हो गया, टोटल सम ऑफ द मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब दोनों बॉडी आपस में आके टकरा चुकी है, तो टकराने के बाद स्टूडेंट हमने माना है कि वेलोसिटी में चेंज आ गया है, तो वेलोसिटी स्टूडेंट u1 से v1 हो चुकी है और u2 से v2 हो चुकी है। और अब अगर हम मोमेंटम निकालें पहली बॉडी का टकराने के बाद, कोलिजन के बाद, तो m1 मास तो सेम ही है लेकिन वेलोसिटी u1 से v1 हो गई है, तो पहली बॉडी का मोमेंटम कितना हो गया, अब हो गया है m1 into v1, और दूसरी बॉडी का कितना हो गया स्टूडेंट, इसकी वेलोसिटी u2 से v2 हो चुकी है, तो इसका हो गया है m2 into v2, और दोनों का सम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, m1 v1 plus m2 v2। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि जब दो बॉडी आपस में टकरा जाती हैं, अब देखिए स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसका स्टेटमेंट क्या है, ये कहना क्या चाहता है कि जब दो बॉडी आपस में मूव करती हैं या आपस में मूविंग के दौरान, मोशन के दौरान आपस में एक दूसरे से टकरा जाती हैं, तो स्टूडेंट टकराने के बाद उनके मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहते हैं, मतलब उनका मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी टक्कर से पहले जितना मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम टक्कर के बाद होगा। स्टूडेंट फिर से समझ लीजिए कि जब दो बॉडी एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराने से पहले और टकराने के बाद के दोनों के मोमेंटम जो होते हैं वो कंजर्व रहते हैं, वो चेंज नहीं होते स्टूडेंट, यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है। तो इसको और किस तरीके से डिफाइन करूं मैं, इसको और अच्छे से समझा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट देखिए, जब एक बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास मोमेंटम होगा, दूसरी बॉडी भी मूव कर रही है उसके पास भी मोमेंटम होगा, क्योंकि मास इसके पास भी है, मास इसके पास भी है, वेलोसिटी इसके पास भी है, वेलोसिटी इसके पास भी है, तो दोनों के पास मोमेंटम होगा अपना अपना। तो होता यह है कि जब दोनों बॉडी आपस में टकरा जाती है तो स्टूडेंट एक बॉडी अपना मोमेंटम का कुछ पार्ट दूसरी बॉडी को डोनेट कर देती है, या हम कह सकते हैं एक बॉडी का कुछ मोमेंटम दूसरी बॉडी के अंदर चला जाता है, मतलब एक बॉडी अगर मोमेंटम को लूज कर रही है तो सेकंड बॉडी उसको क्या करेगी स्टूडेंट, गेन कर लेगी। तो इसीलिए स्टूडेंट हम कहेंगे टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एक बार और समझिए स्टूडेंट, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमारे पास दो स्टूडेंट हैं ए और बी, मान लीजिए ए के पास 100 रुपए हैं स्टूडेंट, कितने रुपए हैं उसके पास, 100 रुपीज है, और स्टूडेंट बी के पास यहां पर हम मान लेते हैं 50 रुपीज है, कितने हैं स्टूडेंट, ए के पास 100 रुपीज है और बी के पास 50 रुपीज है। अब मुझे आप बताइए दोनों के पास टोटल रुपए कितने हुए, तो 100 प्लस 50 150। अब मैं आपको कहता हूं स्टूडेंट कि ए ने 20 रुपीज बी को दे दिए, ए ने 20 रुपीज बी को दे दिए, तो स्टूडेंट अब मुझे बताइए ए के पास कितने रुपए रह गए, बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ए के पास 80 रुपीज रह गए हैं, तो बी के पास कितने हो गए, अब बी के पास स्टूडेंट 70 रुपीज हो चुके हैं, क्योंकि पहले 50 थे, 20 हो रहा है तो 70 हो गए हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल अब कितना है इन दोनों के पास, तो स्टूडेंट टोटल अब भी 150 है, 80 प्लस 70 आप कर लीजिए, अब भी 150 है, तो टोटल रुपीज कंजर्व है या नहीं है। उसी तरीके से स्टूडेंट जब दो बॉडी आपस में टकराती है तो टकराते वक्त एक बॉडी अपना मोमेंटम का कुछ पार्ट दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर देता है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है,
तो हम कहेंगे कि टोटल मोमेंटम कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। एक बार एक और चीज समझ लीजिए स्टूडेंट कि मोमेंटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मोमेंटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, याद रखिए मोमेंटम नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक बार बोर्ड पर आइए स्टूडेंट, देखिए एक बार मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, एक बार फिर से एग्जांपल से समझ लेते हैं स्टूडेंट वो क्या रहा है। यहां पर देखिए ये हमारे पास एक M1 मास की बॉडी है और ये एक M2 मास की बॉडी है, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। मैं मान लेता हूं M1 मास की बॉडी की वेलोसिटी U1 है और M2 मास की बॉडी की वेलोसिटी U2 है, और दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। अब यहां पर मैंने मान लिया है कि इस M1 मास की वेलोसिटी इस M2 मास की वेलोसिटी से कुछ ज्यादा है, क्योंकि अगर स्टूडेंट टक्कर करवानी है तो हमें सीधी सी बात है पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी कुछ ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी ही कम होगी और इसकी ज्यादा होगी तो टक्कर ही नहीं होगी। तो हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी थोड़ी कम है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर ये दोनों बॉडी मास रखती हैं और इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो स्टूडेंट देख लीजिए एक बार हम इनका मोमेंटम निकालते हैं। तो स्टूडेंट मुझे M1 मास की बॉडी का मोमेंटम बताइए, तो स्टूडेंट बड़ा आसान है, M1 मास की बॉडी का मोमेंटम हो जाएगा M1 इनटू इसकी वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट M1 इनटू U1, तो इसका मोमेंटम आ जाएगा M1 U1, और इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसका हो जाएगा M2 इनटू U2, इसका मास और इसकी वेलोसिटी। और मैं कहूं दो टकराने से पहले दोनों का मोमेंटम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो बड़ा आसान है स्टूडेंट, जोड़ दीजिए M1 U1 ये रहा हमारे पास प्लस M2 U2, तो स्टूडेंट टोटल मोमेंटम कितना आ जाएगा टक्कर से पहले, टोटल मोमेंटम जो होगा टक्कर से पहले वो हो जाएगा हमारे पास M1 U1 प्लस M2 U2। अब देखिए स्टूडेंट ये दोनों बॉडी आपस में टकरा गई, इनका आपस में कोलिजन हो गया, टक्कर हो चुकी है। तो टक्कर होने के बाद स्टूडेंट मैंने यहां पर इनके मास में कोई चेंजेस नहीं माने हैं, मैंने मान लिया मास कांस्टेंट है, मास में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो देखिए अब आगे क्या हो रहा है स्टूडेंट, अब देखिए अगर ये टकराई हैं तो इसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, और वेलोसिटी जो कि इसकी U1 थी अब कितनी हो चुकी है स्टूडेंट, V1 हो चुकी है, और इसकी वेलोसिटी जो कि U2 थी वो कितनी हो चुकी है स्टूडेंट, V2 हो चुकी है। तो स्टूडेंट अब इसका मोमेंटम निकालिए, बॉडी M1 मास की बॉडी का मोमेंटम अब कितना हो जाएगा M1 V1, और M2 का कितना हो जाएगा M2 V2, इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी, और दोनों का सम कर दीजिए तो M1 V1 प्लस M2 V2, यानी कि ये टक्कर के बाद का मोमेंटम है और ये टक्कर से पहले का मोमेंटम है। और स्टूडेंट इस रूल के अकॉर्डिंग, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग, टक्कर से पहले यानी द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यही स्टूडेंट इसका मेन प्रिंसिपल है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आता है M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो स्टूडेंट देखिए ये बहुत ही आसान सा एक आपके सामने टॉपिक था, और इस टॉपिक का ये जो फॉर्मूला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को स्टूडेंट आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, और इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना ही पड़ेगा। इस टॉपिक को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और बताएंगे, इसका डेरिवेशन समझाएंगे कि किस तरीके से ये M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 ये किस तरीके से आता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।